नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक हमारा रहेगा बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और मधुमक्खी पालन का व्यवसाय भी भारत में दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, जिससे रोजगार की उत्पत्ति हो रही है। और कृषि से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें बी कीपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे मधुमक्खियों की स्वदेशी किस्में। मधुमक्खियों की स्वदेशी किस्में कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले है हमारा एपिस सेराना इंडिका एफ, जो कि भारतीय मधुमक्खी है। अगला हमारा एपिस डोरसाटा एफ, जो कि रॉक बी के नाम से इसको जाना जाता है। अगला है हमारा एपिस फ्लोरा एफ, जिसको हम लोग छोटी मधुमक्खी के नाम से बुलाते हैं। अब हम आपको बताते हैं जो मधुमक्खी की विदेशी किस्में हैं, कौन कौन सी हैं। एपिस मेलिफेरा, जिसको यूरोपीय या इतावली मधुमक्खी कहा जाता है। अगला है एपिस एडमसोनी, जो कि दक्षिण अफ्रीकी मधुमक्खी के नाम से इसको जाना जाता है। अगला है हमारा इटालियन मधुमक्खी इसलिए पसंद की जाती है, क्यों? इटालियन मधुमक्खी क्यों पसंद की जाती है? क्योंकि इसका जो स्वभाव होता है बहुत ही सौम्य होता है, शहद संग्रहण क्षमता इसमें बहुत अच्छी होती है, इसमें आत्मरक्षा की क्षमता होती है, इसमें कम झंड वाली एक विपुल रानी होती है। और इसके नीचे आपको एक कुछ इमेज दिखेंगे जो मधुमक्खी पालन से संबंधित है, आप देख सकते हैं। ये कुछ चित्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुछ इसके सामान्य क्वेश्चन है जो हम आपको बता रहे हैं। सामाजिक कीट कहलाता है, सामाजिक कीट मधुमक्खी को कहा जाता है। रानी मक्खी का कार्य क्या होता है? रानी मक्खी का कार्य अंडे उत्पादन करने होते हैं, अंडे देने होते हैं। रानी मक्खी अंडे देती है, रानी मक्खी 200 अंडे प्रतिदिन देती है। श्रमिक मक्खी का कार्य होता है, श्रमिक मक्खी जो होती है वह शहद एवं मोम बनाने का कार्य करती है। श्रमिक मक्खी होती है बांझ मादा है, यह अंडे नहीं देती। ड्रोन होते हैं, ड्रोन उर्वर नर होते हैं। यह एक नर मधुमक्खी होते हैं, इसमें कोई डंक नहीं होता है, इसलिए इसको उर्वर नर कहा जाता है। अगला है हमारा शहद में शर्करा होती है, यह गलती से यहां पे शहर हो गया है, शहद में शर्करा होती है 78%। अगला है हमारा शहद में एंजाइम एवं खनिज तत्व होते हैं 5%। शहद में जल की मात्रा कितनी होती है? शहद में जल की मात्रा 70% होती है, 70%। निर्माण में सुक्रोज परिवर्तित होते हैं डेक्सट्रोज में। अगला है हमारा भारत में प्रमुख रूप से मधुमक्खी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में मधुमक्खी पालन का कार्य अधिक मात्रा में किया जाता है। मधुमक्खी में पिछले पैर सहायता करते हैं परागरण में, परागरण करने में सहायता करते हैं। एपिस मेलिफेरा का अन्य नाम, दूसरा नाम कौन सा होता है? यूरोपियन मधुमक्खी इसको कहा जाता है। मधुमक्खी की आक्रामक प्रजाति है कौन सी है? मीठी क्रांति शहद से संबंधित कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन की दृष्टिकोण से मधुमक्खी की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी है? सर्वोत्तम प्रजाति इसकी एपिस मेलिफेरा को कहा जाता है। भारतीय मधुमक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका जंतु वैज्ञानिक नाम एपिस सेरेना इंडिका है। एक श्रमिक मधुमक्खी गर्मियों में कितने समय तक जीवित रहती है? एक श्रमिक मधुमक्खी गर्मियों में लगभग 2 महीने तक जीवित रहती है। सबसे अधिक वेरोवा आमतौर पर कहां पाए जाते हैं? इसका आंसर है विकासशील ड्रोन की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगला है हमारा नर मधुमक्खी, जिसको ड्रोन मधुमक्खी के नाम से कहा जाता है,
इसके विकास में कितना समय लगता है? तो नर मधुमक्खी के विकास में 24 दिन का समय लगता है। रानी मधुमक्खी के विकास में कितना समय लगता है? तो रानी मधुमक्खी के विकास में 16 दिन का समय लगता है। कितने श्रमिक मधुमक्खी लगभग 1 किलो शहद बनाती हैं? तो लगभग 11,000 मधुमक्खियां मिलकर 1 किलो शहद बनाती हैं। मधुमक्खी पालकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ को एपिमोडिया कहा जाता है। एक श्रमिक मधुमक्खी के अंडे देने से लेकर एक पूर्ण विकसित वयस्क के रूप में उभरने तक के विकास में कितना समय लगता है? इसका आंसर है 21 दिन। 21 दिन का समय लगता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक रानी की अधिकतम आयु कितनी होती है? एक रानी मधुमक्खी की जो अधिकतम आयु होती है वो 5 साल होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मधुमक्खी उत्पादन क्या नहीं है? तो मधुमक्खी उत्पादन अमृत काल नहीं कहा जाता, इसको अमृत नहीं कहा जाता है। यह मधुमक्खी की कुछ ये चित्र है, इसमें सब कुछ बताया गया है, उसकी डिटेल, उसके हर पार्ट्स के बारे में बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी किस रंग को नहीं देख सकती? तो इसका जवाब है, मधुमक्खी लाल रंग को नहीं देख सकती। क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि मधुमक्खियों के पास लाल रिसेप्टर नहीं होता है, इसलिए वे लाल रोशनी को नहीं देख सकते। वो सभी रंग को देख सकते हैं सिवाय लाल रंग को छोड़कर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालक मधुमक्खी को क्या खिलाता है? तो जो मधुमक्खी पालन करते हैं वो मधुमक्खियों को चीनी खिलाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडे की अवस्था कितने दिनों तक चलती है? अंडों की जो अवस्था होती है वो 3 दिनों तक चलती है। एक रानी एक दिन में कितने अंडे दे सकती है? एक रानी एक दिन में 2,000 अंडे दे सकती है। मधुमक्खी के कितने पंख होते हैं? मधुमक्खी के 4 पंख होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शहद का मुख्य घटक है, शहद का मुख्य घटक मोनोसेकेराइड को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शहद है, शहद क्या चीज है? अमृत को लार के साथ मिलाकर शहद की थैली में रखा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी का खून किस रंग का होता है? मधुमक्खी का खून एकदम साफ कलर का होता है, जो कि और किसी रेड कलर में नहीं होता, वो साफ होता है, जिसको हम लोग देख के चकित हो जाते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते कि ये उसका खून है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर।